हेलो फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड के थर्ड पार्ट का अध्ययन करते हैं। मित्रों, इस कहानी के दो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, दो पार्ट, पार्ट वन और पार्ट टू। इस पार्ट थर्ड में जो शेष भाग है, जो शेष बची स्टोरी है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहां तक अध्ययन किया था, कहानी में हमने यहां तक बताया था कि जब बच्चा माता पिता के साथ घूमते घूमते मेले में एक गोल चक्कर के पास आता है, जो बहुत बड़ा झूला था जिसमें जो गोल गोल घूम रहा था, उसमें लोगों को देखता है घूमते हुए, जो जो हंसी के साथ चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे, जोर जोर की आवाजें आ रही थी। तो अब उस गोल चक्कर को देखकर बहुत ही खुश हुआ, वह इतना खुश हुआ कि उसे देखता ही रह गया। और अंत में मन में निर्णय किया कि नहीं, अपने मैं माता पिता से कहूंगा कि मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूं, और वह कहता भी। देखिए लास्ट में ये लाइन है, यहां से फिर से बता देता हूं। इसमें ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक निडर प्रार्थना की। उसने कहा कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, उसने कहा कि मैं उस गोल चक्कर पे जाना चाहता हूँ, प्लीज फादर एंड मदर, कृपया माता और पिता, बस इतना इतना करके वह देखता है। तभी उसके माता पिता खो जाते हैं। आइए तो आगे अध्ययन करते हैं। देर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिलता है। जब उसने जब वह कहता है कि माता पिता मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ प्लीज, तो फिर देखता है तो उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। He turned to look at his parents. वो अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ता है, पीछे मुड़ा हुआ। They were not there ahead of him. Ahead means आगे, ahead means होता है आगे। वह उसके आगे भी नहीं थे। He turned to look on either side. Either side मतलब दोनों तरफ। वह दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। They were not there. They were not there. वे वहां भी नहीं थे। He looked behind. वह पीछे देखा। There was no sign of them. उनका कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दिया। A fool deep cry rose within his dry throat. करा कि एक भरा पूरा रुदन rose within his dry throat. करा उसके सूखे हुए गले से फूट पड़ा। एक भरा पूरा रुदन उसके सूखे हुए गले से फूट पड़ा। इसका एक मतलब वह जोर जोर से अचानक रोने लगा। And with a sudden jerk of his body. और अपने बॉडी को अचानक जर्क देकर, मतलब अचानक झटका देकर जहां पर वो खड़ा था, ही रैन, वह दौड़ पड़ा फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां पर वह खड़ा था वहां से अपने बॉडी को अचानक जर्क देकर के झटका देते हुए वह दौड़ पड़ा। क्राइंग, रोते हुए, इन रेड फियर, तरह की अत्यधिक डर के कारण रोते हुए उसने कहा, मदर फादर, मतलब वो चिल्ला रहा है, चिल्लाते हुए रो रहा है, कह मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हॉट एंड फियर्स, कि गर्म और भयग्रस्त आंसू, फियर्स मतलब भयग्रस्त। हिज फ्लश्ड फेस, कराया कि उसका तमतमाया हुआ चेहरा वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, डर के कारण एठ गया था। कन्वल्स मींस एठा हुआ, उसका जो तमतमाया लाल चेहरा था वो डर के कारण एठ गया था। पैनिक स्टिकन, कराया कि डर से व्याकुल होकर के ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो सबसे पहले एक तरफ दौड़ा, देन टू अदर साइड, और तब दूसरी तरफ दौड़ा, हिधर एंड दिधर, इधर और उधर दौड़ा, इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशाओं में, नोइंग नो वे टू गो, करा कि जब उसको यह नहीं मालूम हुआ कि वह कहाँ जाए, मतलब उसे करा नोइंग नो वे टू गो, मतलब उसे मालूम नहीं था कि वह कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए वो खोजने के लिए अपने माता पिता। मदर फादर, ही वेल्ड विथ मस्ट स्टिल ब्रीथ नाउ, करा कि मदर फादर, वह बोल रहा था, माँ पिताजी ऐसे, मतलब बहुत करुण अवस्था में। ही वेल्ड, वह बिलाप कर रहा था या वह रो रहा था, विथ मॉइस्ट, करा नम स्टिल ब्रीद नाउ, अब जो है तीखी सांस के साथ, मतलब तेजी से सांस लेते हुए, नम और तेजी सांसों के साथ वह जो है रो रहा था, माँ और पिताजी कह रहा था। His throat being wet, उसका गला सूख रहा था, इस swallowing the spittle, थूक को निगलने के कारण, swallowing means निगलना, spittle means थूक। His yellow turban, उसकी पीले रंग की पगड़ी, came untied, खुल गई थी, and his clothes, untied and his clothes, और उसके कपड़े जो थे, wet with perspiration, करा wet, भीग गए थे with perspiration, पसीने से, उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। बिके मडी, करे वह कीचड़ युक्त हो गए थे, वेयर, जहां पर द डस्ट, धूल
हैड मिक्स्ड विद द स्वीट ऑफ हिज बॉडी, जहां पर धूल जो थी उसकी बॉडी के उसके शरीर के पसीने से मिल गई थी, जहां पर शरीर का पसीना धूल से मिल गया था वहां पर कीचड़ युक्त हो गया था। हिज लाइट फ्रेम, उसका हल्का शरीर सिम्ड प्रतीत हो रहा था हैवी भारी, एज मास ऑफ लीड, शीशे के ढेर के समान, उसका हल्का शरीर शीशे के ढेर के समान भारी प्रतीत हो रहा था। कह रहा है कि हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, इन अ रेज ऑफ रनिंग फायर वाइल मतलब कुछ समय, कह रहा है कुछ समय इधर उधर दौड़ने के बाद ही वह स्टूड डिफिटेड, हार कर खड़ा हो गया, डिफिटेड मीन्स हार कर। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, कह रहा है उसकी रोने की आवाज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, दब करके सिसकियों में बदल गई थी, सप्रेस मीन्स दबना और सॉब मीन्स सिसकी। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, कह रहा है कि उस हरी घासों से थोड़ी दूर पर ही कुड सी, वह देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी धुंधली आंखों से, धुंधली आंखें इसलिए फिल्मी आईज इसलिए कह रहा है, फिल्मी आईज के अंदर धुंधली आंखें, आंसू बह रहे थे इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैन एंड वोमेन टॉकिंग, कह रहा है वो अपनी धुंधली आंखों से देख सकता था आदमी और औरतों को बात करते हुए। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, कह रहा है उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, कह रहा है कि चमकदार पीले रंग के कपड़ों के बीच उसने ध्यान से देखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माता और पिता का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दिया, साइन मीन्स चिन्ह। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच उसके माता पिता का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दिया। होम सीम टू लॉफ, जो लोग उनको, जिनके बीच में माता पिता खोज रहा है, जो पीले रंग के समकदार कपड़े पहने हुए, तो उनको करा है, करे जो सीम टू लाफ एंड टॉक, जो हंसते हुए और बात करते हुए प्रतीत हो रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, करे बात हंसने और बात करने की गरज से, मतलब जो लोग हंसते और बात करते हुए प्रतीत हो रहे थे, बात करने और हंसने की गरज से। देखिए करे ही रैन हॉटली अगेन, वह पुनः जो है गर्म होकर के दौड़ा। हिज टाइम दिस टाइम इस बार टू ए श्राइन, एक समाधि स्थल या पूजा स्थल भी कह सकते हैं, इस बार जो है वह एक पूजा स्थल की तरफ, टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग, जहां पर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। कह रहा है कि वह इस बार जो है वह एक पूजा स्थल की तरफ दौड़ा, जहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, कह रहा है कि एक एक इंच जमीन जो है, इट वॉज कंजस्टेड विथ मैन, आदमियों से भरी जा रही थी। बट ही रैन, लेकिन वह दौड़ रहा था थ्रू पीपुल्स लेग, लोगों के पैरों के बीच से होकर भी। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, कह रहे कि उसकी हल्की सिसकी चल रही थी। मदर फादर, माताजी पिताजी, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, या उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। हाउएवर, किसी तरह द क्राउड बिकेम वेरी थिक, कह रहा है भीड़ बहुत घनी हो गई थी। मैन जस्टल्ड इच अदर, आदमी जो थे एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे, लड़े भिड़े जा रहे थे, इतनी भीड़ हो गई थी। हैवी मैन, कह रहा है भारी आदमी, विच लेसिंग, कह रहा है कि जिनकी लाल लाल मर्डरस आइस, हत्यारों जैसी आंखें थी, एंड हेफ्टी सोल्जर्स, और मजबूत कंधे थे। द पुअर चाइल्ड, वह बेचारा बच्चा स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया टू थर्स्ट वे, एक रास्ता बनाने का बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच से। तो उसने सोचा कि शायद मेरे माता पिता इस पूजा स्थल पर हो, वो छोटा था इसलिए लोगों के पैरों के बीच से होकर के वह जाने की कोशिश किया। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, ब्रूटल का मतलब निर्दयी, मूवमेंट मीन चाल, लेकिन उनकी निर्दयी चाल कारण जो है ही नॉक्ड टू एंड फ्रो, वह इधर उधर धक्का खा जाता था। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, नॉक्ड मतलब धक्के खाना, मतलब उनके पैरों से लग जा, जब जाने की कोशिश करते उनके पैरों से लेकर बेचारा कभी इधर चला जाता था, कभी इधर चला जाता था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल मींस पैर के नीचे कुचलना, अंडर फूट, करे वह पैरों के नीचे कुचल गया होता हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट, यदि वह नहीं चिल्लाता एट द हाइस्ट
एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी जोर की आवाज करके, सही कहने का मतलब लोगों के बीच से होकर के जा रहा था तो वो लोगों के नीचे पैरों नीचे कुचल जाता, लेकिन वो जब कुचलने की बारी मतलब जब ऐसा लगता तो वो जोर से चिल्ला देता था, लोग समझ जाते थे कि नहीं कोई पैर के नीचे है। फादर मदर, पिताजी माताजी, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, कराए कि उस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी हर्ड हिज क्राई, उसके रोने की आवाज को सुना। सर्जिंग का मतलब होता है उमड़ता हुआ, कराए उस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी रोने की आवाज सुनी। स्टूपिंग विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े ही मुश्किल से झुक करके, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने पूछा कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहां पर कैसे आ गए, हूज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मॉस, जैसे ही उसने मास में से भीड़ से रास्ता बनाने की कोशिश की। स्टीयर का मतलब होता है टू मेक द वे, रास्ता बनाना, और क्लियर मैंने साफ करना, मतलब उसने बच्चे से पूछा कि हाउ डिड यू गेट देयर, गेट हियर, तुम यहां पर कैसे आए, हूज बेबी आर, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, कह रहा है कि आदमी ने पूछा जब वो भीड़ को साफ करते हुए रास्ता बनाने की कोशिश किया, मतलब बनाना भीड़ को साफ करते हुए रास्ता बना रहा था कि मैं बच्चे को लेकर बाहर निकलूं, तो उसने बच्चे से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। देन इवर नाउ, पहले की भी अपेक्षा, बच्चा जो है पहले की बच्चा भी और जोर से रोने लगा। एंड ओनली क्राउड को यही चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता जी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, कह रहा है आदमी ने ट्राइड कोशिश की टू सूद हिम, उसे शांत करने की, बाय टेकिंग टू द राउंड अबाउट, उसे उस गोल चक्कर के पास ले जाकर के। विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, उस आदमी ने पूछा क्या तुम उस हॉर्स पे सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने धीरे से पूछा एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो उस रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड थ्रॉट, बच्चे का गला टॉर इंटू थाउजेंड सील्स ऑफ, सील्स ऑफ माने सील में तीखी सामान्य सिस्कियां, कह रहे बच्चे का गला जो है टॉर इंटू थाउजेंड सील्स ऑफ, हजारों सिस्कियों में तेजी से फूट पड़ा, मतलब वह जोर जोर से सिसकने लगा। एंड यू ओनली शॉट, और वह केवल यही चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर से बता दो इस लाइन को, कह रहा कि द चाइल्ड थॉट, बच्चे का गला टोर इंटू ए थाउजेंड सील सॉप्स, कह रहा कि हजारों श्रील तीखी सॉप सिस्कियों में कह रहा फूट पड़ा, उसका यह मतलब कि वह जोर से रोने लगा, सिसकने लगा। उसने कहा कि मुझे मेरे माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स अ प्लेस, आदमी उस स्थान की तरफ चल दिया वेयर द जगलर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, जहां पर वो मदारी वाला स्टिल अब भी प्लेड ऑन द फ्लूट, उस बीन को बजा रहा था टू द डांसिंग कोबरा, नाचते हुए कोबरा के सामने। आदमी जो है उस स्थान की तरफ चल दिया जहां पर मदारी वाला उस नाचते हुए कोबरा के सामने बीन को बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसने कहा कि उस सुंदर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना किया, मतलब बहुत ही विनम्र भाव से उसने कहा कि बच्चे उस मधुर संगीत को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर दिया विथ हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और अपनी डबल पिच्ड स्ट्रेन मतलब अपनी डबल आवाज में चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसने कहा मुझे मेरे माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, आदमी उसे बैलून्स के पास ले गया। थिंकिंग यह सोचते हुए द ब्राइट कलर्ड ऑफ द बाल्स, कि बाल का रंग रहा कि चमकदार और मतलब चमकदार और रंग बिरंगे बाल जो है वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे के ध्यान को भंग कर देंगे, मतलब बच्चे का ध्यान मोड़ देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसे शांत कर देंगे। तो आदमी जो है उसे उस बैलून के पास ले गया, सो कि ये रंग बिरंगे बैलून देकर बच्चे का ध्यान जो है उस तरफ से हट जाएगा और ये शांत हो जाएगा। उससे वहां ले आके पूछा कि वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, उसने पूछा क्या तुम्हें यह इंद्रधनुषी रंग वाला बैलून चाहिए।
ही परसुएसिवली आस्क इट। देखिए परसुएसिवली मींस होता है प्यार से पूछना। ही परसुएसिवली आस्क इट, उसने प्यार से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज, बच्चे ने अपनी आंखों को घुमा दिया फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, उड़ते हुए बैलून की तरफ से, एंड जस्ट सॉब, और केवल सिसकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन, कराए वो आदमी स्टिल अब भी इम्पॉसनेट, जिद लिए हुए था इन हिज काइंडली डिजायर, अपनी दया में इच्छा लिए हुए टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को खुश करने। कि वो आदमी अब भी अपनी दया, उस बच्चे को खुश करने की अपनी दयामयी इच्छा ली हुई है, अपनी जिद पर था। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने दयालु प्रयासों से बच्चे को खुश करने की जिद पर अड़ा हुआ था। करे कि बोर हिम टू द गेट, उसे वह दरवाजे के पास ले गया, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। करा लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे क्या तुम सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक गार्लैंड, क्या तुम्हें एक हार चाहिए टू पुट राउंड योर नेक, अपने गर्दन में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने उस टोकरी की तरफ से अपनी नाक को हटा दिया, घुमा दिया। एंड रिट्रैक्टेड हिज सॉब्स, और अपनी सिसकी को दोहरा दिया, मतलब फिर सिसकने लगा, रोने लगा। रिट्रेटिंग मतलब रिपीटेड, रिपीट करना। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसने कहा नहीं मुझे मेरे माता जी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, कराया कि बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, मिठाइयों का उपहार दे करके, कराया कि थिंकिंग सोचते हुए, टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, कराया उसके निराश मन को ह्यूमर शांत करना, कराया कि उसके निराश मन को मिठाइयों का उपहार दे करके शांत करने के बारे में सोचते हुए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट्स, वह आदमी उसे उस मिठाई वाले काउंटर के पास ले गया, उस मिठाई वाली दुकान के काउंटर के पास ले गया। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी में लिए हुए बालक को मिठाई का उपहार देकर सांत्वना देने के लिए वह आदमी उसे हलवाई की दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए बच्चा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चा उस मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को हटा लिया। एंड ओनली सॉब्ड, और केवल सिसकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता जी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, इसकी कुछ कठिन वर्ड मीनिंग भी है, आपको दिखा देता हूं उसमें मैं। देखिए, ये है फेस्टिवल, त्योहार, नैरो, तंग, सकरा, एलिस, रास्ता, एमस्ट, बाहर आना, गैलक्लेट, खुशनुमा चेहरे, स्वार्म, झुंड, वैरन, खरगोश पालने का बाड़ा, ब्रेमिंग ओवर या भरा होना, लैग्ड बिहाइंड, पीछे छूट जाना, लेंजरिंग ऑन, रुचि दिखाना, रेसिडिंग, पीछे छूट जाना, सप्रेस, काबू में करना, रेफ्यूजल, मना करना, प्लीडेड, निवेदन करना, और टायरेंट, उग्र स्वभाव। देखिए, डिसगस्ट, दुख, उदासी, ट्वेल्ड, दबाना, पाउटिंग साफ मीन्स गुस्से से रोना, वेंडेड, रास्ता बनाना, एबिंग, कम हो जाना, एडी, भंवर बनना, ट्रिब्यूटरी, छोटी नदी या सरिता, मिराज मिक्तिसना, और ग्रोप्स, उपवन। सैचुरेटेड, ओतप्रोत, एविडेंस, सबूत, साक्ष्य, डिलाइट, खुशी, प्लंग, छलांग मारना, प्रेंसिंग, कूदना, कॉल्ट, बछड़ा, फ्रेग्रेंस, खुशबू। देखिए, बसलिंग अबाउट, इर्द गिर्द घूमना या हलचल, गॉडी, रंग बिरंगा, इंटरसेप्टिंग, से होकर जाना, एविडेड, बच जाना, टेम्प्ट, की ओर ललचाना, विनिंग, वाइनिंग मीन्स भिन भिनाना, टीमिंग आउट, बाहर आना। देखिए, आउटस्टेस्ट, दूर दूर तक फैला होना, क्रिम्सन, गहरा लाल, ब्लसिंग, शर्माते हुए, एडोरेशन, प्रेम भावना, चैपरॉन,
सैप्रॉन मीन्स होता है संरक्षक, मिंगल्ड घुल मिल जाना, वैप्टेड उड़ा देना। देखिए थ्रॉन्ग्स लोगों की भीड़, वर्लपूल भंवर, रिपेल्ड प्रतिकर्षित, फैसिनेटेड आकर्षित। देखिए स्वीट मीट मिठाई, आर्किटेक्चर बनावट, डेकोरेटेड सजे हुए, मर्मर्ड धीरे धीरे बोलना, हेडेड ध्यान देना, हॉक्ड सामान बेचने तो चिल्लाना, गार्लैंड फूलों की माला, इरेसिस्टिबल इरेसिस्टिबली मीन्स होता है रोक न पाना, इम्प्लेकेबल तीव्र प्रचंड, या लैंग्विड विशाल फैलाव वाला। देखिए ओवरवेलमिंग खुशी प्रदान करने वाला, जैगलर बाजीगर या मदारी वाला, ग्रेसफुल शानदार, रिपलिंग ऊपर नीचे आना, मैनिएचर छोटे आकार का, फॉरबिडन मना किया जाना, कोर्स बेरुखा या भद्दा। देखिए राउंड अबाउट गोल चक्कर, सिक चिल्लाया, डिजी खोया हुआ सा, ब्लस प्यारी सी मुस्कान, अमेजमेंट आश्चर्य, फियर्सली तीव्र गति से, रैप्ट मग्न होना, एंटिसिपेटेड आशा के अनुरूप होना, और डेनियल डेनियल का मतलब होता है मना करना। अगला देखिए फ्लस्ट उत्तेजित होना, कन्वल्स्ड अकड़ जाना, पैनिक स्टिकन घबराहट होना, वेल्ड करुण रुदन या रोना, स्पिटल थूक या लार, परस्पिरेशन पसीना। देखिए श्राइन पवित्र जगह जैसे मंदिर, कंजेस्टेड जगह न होना, जॉस्टल्ड क्रेजॉसल्ड धक्का मुक्की, हैप्टी मजबूत मजबूत व चौड़े, ब्रूटल खतरनाक, ट्रैम्पल्ड पैरों के नीचे कुचल जाना, स्टूपिंग नीचे की ओर झुकना। देखिए स्टीयर्ड रास्ते पर लाना, सूद चुप कराने का प्रयास करना, डिस्ट्रैक्ट ध्यान हटाना, परस्यूएसिवली प्यार से पूछना, एम्पोर्चुनेट जिद्दी होना, रिट्रैटेड बार बार करना या कहना, डिस्कॉन्सलेट जिसे सांत्वना न दी जा सके या निराश भी होता है। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। मित्रों यह लेसन बहुत ही कठिन है, इसका हिंदी वीडियो आपको बहुत कम मिलेगा, पूरे YouTube पर सर्च करेंगे तो शायद हो कि एकाध मिल जाए, मुझे नहीं लगता है कहीं भी मिलेगा। बहुत ही कठिन लेसन है, फिर भी मैंने बहुत ही समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए मित्रों। और आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसमें आप कमेंट जरूर लिखिएगा, और इसमें जो अच्छाइयाँ और जो कमियाँ हों उनको भी मित्रों जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों।